फ्रेंड्स, शिक्षा से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जाता है, संस्कार भी हमें बहुत कुछ जीना सिखाते हैं। आज की कहानी कुछ इसी आधार पर है। देश के IAS अधिकारी हुए TN सेशन साहब की, वो अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि वो एक बार उत्तर प्रदेश के रास्ते से जा रहे थे उनकी फैमिली के साथ में। तभी सड़क के किनारे उनकी पत्नी की नज़र भैया के घोंसले पर पड़ती है और वो ये कहती है कि काश ये दो घोंसले में मिल जाते तो घर में सजावट के काम आ जाते। तभी जो सेशन साहब है जो ड्राइवर के साथ में नीचे उतरते हैं गाड़ी से और सड़क के किनारे जो भेड़ बकरी चराते हैं उस एक अनपढ़ लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये घोंसले आप उतार के दे दीजिए। तब वो लड़का जो है वो मना कर देता है कि नहीं, मैं आपको ये उतार के नहीं दे सकता। तब उसे 10 रुपये दिए जाते हैं, तब भी वो मना करता है। फिर उसे 50 रुपये ऑफर किए जाते हैं कि आप 50 रुपये ले लो और ये दो घोंसले हमें उतार के दे दीजिए। तब भी वो लड़का मना कर देता है। फिर जो सशस्त्र साहब है वो IAS अधिकारी जो है वो उन्हें पूछते हैं कि आप बार बार मना क्यों कर रहे हैं, क्या बात है। तब वो एक अनपढ़ लड़का जो भेड़ बकरी चढ़ाता है वो कहता है कि मैं ये घोंसला नहीं उतारूंगा क्योंकि जो चिड़िया जो शाम को आएगी अपने घोंसले में तब वो ना तो बच्चों को पाएगी ना ही अपना घर पाएगी, यानी कि घोंसला पाएगी, तो सोचिए कि उस पर क्या बीतेगी। तब ससुर साहब जो है अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उस रात उन्हें अपराध बोध हुआ कि जो अनपढ़ बच्चा समझ गया वो उनके दिमाग में बात नहीं आई कि भाई किसी का भी घर हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें शिक्षा से ही सिर्फ किताबी कीड़ा बन के शिक्षा से हम सब कुछ नहीं हासिल कर सकते, कई बार हमें संस्कार भी हमें जीना सिखा देते हैं। थैंक यू।